ट्रेडेड फाइनेंशियल सर्विसेज से, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की जो गिरावट हम देख रहे हैं उसका एक लिखा जोखा या ब्यौरा मेरे ख्याल से एक दो हफ्ते पहले हमने बताया था कि बजट आने के पहले आप एक रैली देख सकते हैं, और बजट जिस जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी देखेंगे और बाजार शायद थोड़ा बहुत नीचे की तरफ भी आ सकता है, और वही रुझान हम फिलहाल देख रहे हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा क्षेत्र में जैसे आईटी है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, कुछ चुनिंदा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर है, एफएमसीजी कंज्यूमर कंजम्पशन ड्रिवन, यहाँ पर हम थोड़ी बहुत खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। इस हफ्ते हमने देखा कल 26 जनवरी थी, उस आधार पर एक छुट्टी थी। कल यानी कि गुरुवार को 28 तारीख को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी है, और फिर शुक्रवार का एक दिन कामकाज होगा, और हम अगले हफ्ते जब लौट करके आए बाजार तो तारीख होगी 1 फरवरी 2021 यानी कि यूनियन बजट का दिन। दोस्तों मुझे लग रहा है कि शायद आज और कल के पहले सत्र में ये जो उठापटक है जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं ये थोड़ी बहुत तीव्र हो सकती है, बाजार थोड़ा बहुत और नीचे फिसल सकता है, लेकिन कल दोपहर में हमारा मानना है कि शायद थोड़ी बहुत खरीदारी आ सकती है, और शुक्रवार को थोड़ा बहुत दायरे में कामकाज हो सकता है। सोमवार के दिन बजट है तो मेरे ख्याल से जो जो घोषणाएं माननीय वित्त मंत्री जी करेंगे उसके आधार पर बाजार पर रुझान होगा, और उस पर मेरे ख्याल से फिलहाल टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। वित्त मंत्री जी क्या कहते हैं और क्या नीतियां बना करके यूनियन बजट हमारे और आपके सामने रखते हैं ये देखने के बाद ही विश्लेषण हम करें तो अच्छा होगा, लेकिन कुछ जो झलक या फिर कुछ सूत्र के आधार पर बातें सुनाई दी। एक तो हमने स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करी थी, वो माननीय यूनियन मिनिस्टर साहब नितिन गडकरी जी ने एक रूप दे दिया है, हालांकि पब्लिक डोमेन में यानी कि लोगों के नजरों में आने के लिए स्पष्ट रूप से थोड़ा समय लगेगा, सफेद कागज जो होता है उस पर क्या लिखा होता है वो समझना पड़ेगा, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर के, मिसाल के तौर पर टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, महिंद्रा हो गया, आइशर मोटर्स क्योंकि वो आइशर ट्रक्स बनाते हैं, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स भी बनाते हैं, हालांकि इन सब कंपनी है मेरे ख्याल से बाजार में रुचि रहेगी। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में कुछ और खबरें और क्षेत्र के बारे में जिक्र किया है, उन सब क्षेत्रों पर नजर रहनी चाहिए। आज भी हम देख रहे हैं कि करीबन 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में है स्पॉट पर, जब भी मैं बात कर रहा हूं आपसे आज सुबह बुधवार की सुबह 27 तारीख जनवरी की, और 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हम देख रहे हैं सेंसेक्स पर। तो अगर आप 50,000 का जो ऊपरी स्तर देखा था और निफ्टी का जो हमने स्तर देखा था करीबन 14,700-800 के आसपास, वहां से अच्छा खासा नीचे की तरफ का दायरा हमने तय किया, और ये अच्छी बात है कि बजट की उम्मीद पर हम जनवरी के पहले दूसरे और थोड़े बहुत तीसरे हफ्ते में ऊपर के दायरे तय कर रहे थे। चौथे हफ्ते में जब जनवरी के बजट नजदीक आ रहा है तो हम वो बढ़त थोड़ी बहुत गंवा रहे हैं, करेक्शन देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी तैयारी है बजट में जाते जाते। अगर बजट के दिन से पहले ही अगर हम काफी ऊपर चले जाते तो आशंका गिरावट की और बढ़ जाती, वोलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं उठापटक उसकी और बढ़ जाती, लेकिन ये अच्छी बात है कि बजट में जाते जाते हम थोड़े बहुत हल्के जा रहे हैं बजट में, ताकि बजट का विश्लेषण जब हो समझ में आए उसके बाद हम क्षेत्र के आधार पर कंपनी के आधार पर ऊपर जाए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बजट शायद 2-3 दिन का एक रुझान जो है बाजार पर लाता है और फिर हम फिर से कामकाज पर लौट के आते हैं। तो दोस्तों विकल्प के रूप में आज हमने जो एक स्टॉक चुना है जिसके नतीजे पिछले हफ्ते शुक्रवार को देर शाम को आए, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और जिस तरीके से माननीय चेयरमैन साहब श्रीमान मुकेश अंबानी जी ने एजीएम के दौरान पहले जब घोषणाएं की थी ऑयल टू केमिकल्स की यानी कि ओ टू सी कारोबार की,
वहां से योगदान बहुत ही बढ़िया आया इस बार और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये और भी बेहतर होता जाएगा। नए कारोबार को लेकर के रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल वगैरह जो भी है वो तो योगदान काफी अच्छा आता ही रहेगा, लेकिन ये जो एक रणनीति अलग अलग कारोबार में इन्होंने कामकाज को लेकर के जमीनी स्तर पर लागू की है, ये मेरे ख्याल से लंबी अवधि में कंपनी के बैलेंस शीट पर, कामकाज पर और शेयर धारकों के निवेश के ऊपर एक अच्छी खासी पूंजी लंबी अवधि के नजरिए से खड़ी करके देंगे। तो उस लिहाज से दोस्तों मुझे हमें रिलायंस चीज पसंद है। फिलहाल एक बहुत ही नजदीक का अगर आप लक्ष्य हमें पूछो तो 2300 तक के लक्ष्य हमें नजर आते हैं, और अगर अवधि लंबी अवधि की है, बाद लंबी अवधि के निवेश लंबी अवधि का है तो वो आपको शायद 2600 के ऊपर भी जाता हुआ नजर आए। रुपया बहुत ही मजबूत कामकाज कर रहा है जैसे हमने पिछली बारी बात की थी और ये स्तर बना रहेगा, और विदेशी संस्थागत निवेशक और स्थानीय संस्थागत निवेशक इसी तरीके से समय अनुसार बाजार में पैसे डालते रहेंगे और निकालते रहेंगे। गिरावट पर जैसे हम पहले बता रहे थे खरीदारी का मौका है, मैं फिर से वही जिक्र करूंगा अगर आप, और मैंने ये भी बताया था पिछली बार कि अगर छोटी मध्यम अवधि का नजरिया है तो बजट के पहले 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा समेट करके आप कैश पर रहें और बजट खाने के बाद समझने के बाद तय करें कि आपको कहां पर खरीदारी करनी है, कहां पर नहीं करनी है। मैं इसी बात के ऊपर मेरी वाणी को अब विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं हफ्ते बजट के पश्चात जब हमारी बात होगी आपके साथ तब माहौल भी बेहतर होगा और समझदारी भी अच्छी होगी। आप सभी की स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद आपका।